चलिए डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, आईटीआई स्टूडेंटों के लिए किसकी बात करेंगे हम, ओनली फॉर यहां पर आईटीआई स्टूडेंटों की बात करेंगे। तो आईटीआई स्टूडेंटों की तरफ से जो भारतीय मानक ब्यूरो है उसकी तरफ से एक रिक्वायरमेंट जारी की गई है, ठीक है। बीएसआई जो बीआईएस होता है, भारतीय मानक ब्यूरो, जो उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत आता है और नई दिल्ली में इसका जो हेड ऑफिस है, बीआईएस का हेड ऑफिस कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। तो उसकी तरफ से एक रिक्वायरमेंट जारी की गई है जिसका ये रिक्वायरमेंट है जो 2/2022 विज्ञापन संख्या है। तो चलिए हम डायरेक्ट सीधे बात करते हैं, ओनली फॉर आईटीआई स्टूडेंटों के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आईटीआई स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है कि आईटीआई स्टूडेंटों के लिए यहाँ से बहुत अच्छी जो रिक्वायरमेंट है वो निकाली गई है। देखिए फ्रेंड्स, जो आईटीआई स्टूडेंट है उनके लिए जो ये रिक्वायरमेंट निकाली गई है, तो ये जो पोस्ट कोड आपका होने वाला है, पोस्ट कोड 12 नंबर का होने वाला है और सीनियर टेक्नीशियन लेवल के लिए आपके यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। वरिष्ठ टेक्नीशियन लेवल, सीनियर टेक्नीशियन बनोगे आप यहाँ पर सीधे ही, तो ये रिक्वायरमेंट आपके लिए निकाली गई है। जिसका जो बेसिक्स आपका रहेगा वो रहेगा 25,500 से 81,100 रुपये आपका बेसिक रहने वाला है। लेवल 4 की रिक्वायरमेंट बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट आपकी रहने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी यहाँ पर 27 वर्ष रखी गई है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्टों की मैं बात करूँ तो आपके 25 पोस्टें यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्टों की यदि मैं बात करूँ, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है वो ट्रेड वाइज हम देख लेते हैं। कारपेंटर के लिए टोटल यहाँ पर 6 पोस्टें होने वाली है, वेल्डर के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट होने वाली है, प्लम्बर के लिए 3 पोस्ट होने वाली है, फिटर के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट होने वाली है, टर्नर के लिए 5 पोस्ट होने वाली है और इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 6 पोस्टें होने वाली हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओनली आईटीआई स्टूडेंटों की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। चलिए, तो जो आपके लिए जो ये रिक्वायरमेंट निकाली गई है, इस रिक्वायरमेंट की जो ऑनलाइन होगा, ये जो बीआईएस की तरफ से रिक्वायरमेंट निकाली गई है, इसके जो ऑनलाइन पंजीकरण है वो 19 अप्रैल 2022 को सुबह 9 बजे से मध्य रात्रि 9 मई 2022 तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। ये आपको यहां से याद रखना है। चलिए, इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। तो चलिए, ये वरिष्ठ टेक्नीशियन की हम यहां पर बात करने जा रहे हैं। पोस्ट नंबर 12 था, वरिष्ठ टेक्नीशियन, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास होना चाहिए, 10वीं आपके पास होने चाहिए या इसके समक्ष आप कुछ भी क्वालिफिकेशन हो जो मेरिट, लगभग यहाँ पर आपके पास 10th क्लास होने चाहिए पास आउट, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी भी ट्रेड में आईटीआई का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो, फीटर हो या फिर बढ़ई हो, प्लम्बर हो, टर्नर हो, वेल्डर हो, इन 5ों ट्रेड में किसी भी ट्रेड का आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और जो तीसरा है, मैन जो आपके पास होना चाहिए, या तो आपके पास आईटीआई के साथ अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट हो या फिर संबंधित ट्रेड में 2 साल का आपके पास व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम बात कर लेते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में कि जो आपका वरिष्ठ जो टेक्नीशियन की प्रक्रिया होगी, इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट और एक ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर आपका जो परीक्षण है, जो आपका जो रिक्वायरमेंट है, ये निकाली जाएगी, ठीक है, आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसके सिलेबस में आप लोगों से क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, तकनीकी सहायक या फिर हम बात करें वरिष्ठ तकनीशियन के पद के लिए जो सिलेबस आपका यहाँ पर होने वाला है वो क्या होगा, देखिए, पहला आपके पास होगा रीजनिंग होगी, सेकंड होगा आपके पास सामान्य ज्ञान होगा और थर्ड आपके पास अंग्रेजी भाषा होगा, ठीक है। प्रश्नों की संख्या की यदि मैं बात करूं तो टोटल आपके पास प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, देखिए ये थोड़ा सा नीचे भी आपको दे रखा है, चलिए मैं यहीं से बता देता हूँ आपको। जो रीजनिंग का 50 क्वेश्चन होंगे, 50 का अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स भी 50 होंगे, टाइम आपके पास 40 मिनट रहेगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान के लिए जनरल अवेयरनेस के लिए आपके पास 25% होंगे, 25% होंगे, 25 ही मार्क्स होंगे और 20 मिनट का आपके पास समय मिलेगा। इंग्लिश के लिए आपको 25% होंगे, 25 ही अंक होंगे, 20 मिनट का आपको समय मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, तकनीकी सहायक की बात करें, अंग्रेजी परीक्षा को छोड़कर, तकनीकी सहायक प्रयोगशाला की बात करें, अंग्रेजी परीक्षा को छोड़कर, देखिए आपका जो वरिष्ठ टेक्नीशियन है उसकी बात करेंगे हम यहाँ पर। तो वरिष्ठ टेक्नीशियन के लिए जो सिलेबस रखा गया है, आईटीआई और प्रशासनिक ट्रेड के सामान्य पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे और ये जो पेपर होगा आपका द्विभाषी होगा या हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होगा। तो मैंने आपको यह बता दिया, यहाँ पर आपके जो ट्रेड से संबंधित हैं आपके टोटल जो क्वेश्चन हैं वो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे
जाएंगे। तो ये देखिए 50 क्वेश्चन ये हो गए, 50 ये हो गए, और 50 क्वेश्चन ही आपके ट्रेड से संबंधित पूछे जाएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन ही आपके ट्रेड से संबंधित पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग, 20 क्वेश्चन जनरल सामान्य ज्ञान के, और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश भाषा से पूछे जाएंगे, ये आपका होगा। और जो कौशल परीक्षा है उसमें 50% अंक संबंधित अभ्यर्थी विषय में, कम से कम 50% अंक कुल अधिकतम अंकों में से आपके पास होने चाहिए, ठीक है, ये आपकी रखी गई है। चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो आयु सीमा में छूट है, तो एससी एसटी के लिए 5 साल की, ओबीसी के लिए 3 साल की, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो 10 साल की यहाँ पर छूट दिव्यांग के लिए रखी गई है, ठीक है। भूतपूर्व के लिए 15 साल की यहाँ पर छूट रखी गई है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो इसमें देखिए, तो जिसके एग्ज़ाम सेंटर की बात करेंगे, तो एग्ज़ाम सेंटर लगभग प्रत्येक स्टेट में लगभग एक या दो एग्ज़ाम सेंटर, कई कई स्टेटों में 3 एग्ज़ाम सेंटर भी रखे गए हैं। तो टोटल आपके पास ये देख सकते हैं आप, टोटल आपके साथ 49 एग्ज़ाम सेंटर रखे गए हैं, जिसमें कोची, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, मुंबई, नासिक, पुणे, नागपुर, चंडीगढ़, बठिंडा, जयपुर, जोधपुर, शिलोंग, गुवाहाटी, इन सभी एग्ज़ाम सेंटर पर आपके एग्ज़ाम होने जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो आपके ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन आपके फॉर्म होंगे, ये आपके 19 अप्रैल से ऑनलाइन होंगे, 9 मई तक के लिए आप इसको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर, या ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपके यदि समझ में नहीं आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आपके आईटीआई स्टूडेंटों के लिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।